रखूंगा यहाँ पर और इसको मैं अपने पेट के साथ 21 दिन तक लगा के रखूंगा। खैर 21 दिन तक नहीं, 4-5 दिन में मुझे पता लग जाएगा इस अंडे की क्या प्रोग्रेस है। अगर इस अंडे के अंदर चूज़ा नहीं बनता तो भी आपको दिखाऊंगा, और अगर इसके अंदर जो है कि चूज़ा बनना शुरू हो गया तो वो भी आपको दिखाऊंगा। गर्म हो गया काफ़ी ज़्यादा, ये भी इसी तरह सही है। तो मिलते हैं सुबह आपको। अभी मैं इसके ऊपर शर्ट कर देता हूँ और इस तरह साइड पे हो जाता हूँ। डर लग रहा है कहीं टूट ना जाए, ना सुबह उठूँ तो ऑमलेट बनाऊँ पेट के ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पेट के ऊपर कोई हार्ट बीट चल रही हो, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हार्ट बीट चल रही है और मेरे पेट में किसी का दिल धड़क रहा हो। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल के साथ एक नए वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है और अपने चैनल में आपको वेलकम करता है। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंसानी दर्जा हरारत जो होती है उस पर भी चूज़ा हैच हो सकता है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला, बल्कि एक चैलेंज करने वाला हूँ। मैं 21 दिन तक अपने पेट पर एक छोटा सा गैजेट जो मैंने खुद बनाया है, अभी आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसमें एक अदद अंडा रख के अपनी बॉडी से हैच करूँगा। जैसे मुर्गी अंडों के ऊपर बैठ कर चूज़ा निकालती है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से मैं एक अंडा अपने जिस्म के साथ बांधूंगा और उससे चूज़ा निकालूंगा। तो आप सब से मेरी यही गुजारिश है कि आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाऊंगा और इस एक्सपेरिमेंट को मैं डे बाय डे आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या प्रोग्रेस होती है। तो आइए सबसे पहले गैजेट बनाने का तरीका आपको सिखाता हूं।
तो दोस्तों ये वो अंडा है एस्ट्रोलॉब मुर्गी, जो मेरी मुर्गियाँ अंडे देती हैं उसमें से एक अंडा मैंने चुना है। ये अंडा जो है कि मैं इस गैजेट यहाँ पर और इसको मैं अपने पेट के साथ 21 दिन तक लगा के रखूँगा। खैर 21 दिन तक नहीं, 4-5 दिन में मुझे पता लग जाएगा इस अंडे की क्या प्रोग्रेस है। अगर इस अंडे के अंदर चूज़ा नहीं बनता तो भी आपको दिखाऊँगा, और अगर इसके अंदर जो है कि चूज़ा बनना शुरू हो गया तो वो भी आपको दिखाऊँ। ये गैजेट बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, एक तो मुझे ये पैकिंग वाला फोम चाहिए था वो मैंने ले लिया, बीच में टेप का कुछ हिस्सा था वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, उसके अलावा ये रबड़ लगाइए तो मेरे पेट के ऊपर फिट आएगी इंशाल्लाह अल अज़ीज़। एक नया इन्वेंशन होगा, एक नया तजर्बा होगा आप सब फार्मर भाइयों के लिए। और आप तो दोस्तों रात का टाइम हो गया है और सबसे मुश्किल काम रात के टाइम का था, वो भी आपको दिखाते हैं क्या किया है मैंने। साइड में मैंने गोल तकिया रखा है ताकि कहीं मैं रात को ऐसे हुआ तो ये बस टूट ना जाए। तो ये देखें ये अंडा है, इसको रात के लिए घुमा देता हूँ, ऐसे गर्म हो गया काफ़ी ज़्यादा, ये अभी इसी तरह से ही है। तो मिलते हैं सुबह आपको, अभी मैं इसके ऊपर शर्ट कर देता हूँ और इस तरह साइड पे हो जाता हूँ, डर लग रहा है कहीं टूट ना जाइए ना, सुबह उठूँ तो ऑमलेट बनाऊँ पेट के ऊपर। तो सुबह से ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पेट के ऊपर कोई हार्ट बीट चल रही हो, तो भी आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हार्ट बीट चल रही है और मेरे पेट में किसी का दिल धड़क रहा हो। तो ये देखिए फाइनली माशाल्लाह ये तो निकल रहा है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है फाइनली तजर्बा कामयाब हो गया। देख सकते हैं अंडा टूट गया हुआ है, अंदर से नॉक कर रहा है जैसे कोई दरवाजा बजाता है ना, बिल्कुल वैसी आवाज आ रही है। सुनाता हूँ आपको भी, ये सुने अभी इसका थोड़ा सा और टाइम है, इसको मैं रखता हूँ तो जिस टाइम ये निकलेगा तो फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह।
माशाल्लाह कितना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको जिंदगी दे माशाल्लाह।